So guys, welcome back to my new video. मैं अरविंद है, आप देख रहे हैं तो फ्रेंड्स भाई साहब ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा। इस मूवी के मीम्स इतना जबरदस्त वायरल हो रहे हैं, खास तौर पे आलिया भट्ट। यार आलिया भट्ट की अलग ही बात है। अगर बात करते हैं इस मूवी कलेक्शंस, इस मूवी कलेक्शंस कहीं ना कहीं इस मूवी से ज्यादा चलने वाला टॉपिक है, एंड कहीं ना कहीं लोग इस मूवी से ज्यादा से यार कलेक्शन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं भाई। मतलब इनके कलेक्शंस जो ट्रेड एक्सपर्ट्स बता रहे हैं और जो यहाँ पे धर्मा प्रोडक्शन बता रहे, करण जोहर बता रहे, इनका अलग ही भाई डिफरेंस चल रहा है। लोग बीच में अलग ही बैटल चल रहा है। अभी अभी भाई रिसेंट में यहाँ पे बड़े बड़े ट्रेड एक्सपर्ट्स ने दावा किया था कि मूवी का जो 7 दिनों का फर्स्ट वीक का भाई ग्लोबल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पहुंचा था ग्रॉस के मामले में लगभग 250 करोड़ प्लस। अभी रिसेंट ये लोग ने अपडेट ही किया था कि अगले ही दिन यहाँ पे भाई साहब पटक दिया यहाँ पे धमाका करण जोहर ने 300 करोड़ प्लस। अब 300 करोड़ किधर है और 250 करोड़, मतलब डिफरेंस देख रहे हो, मतलब 50 करोड़ का गैप कैसे आ गया है, इतना बड़ा गैप होता है। मतलब चलो मान लेते हैं कि 260 बता देते, 265 बता देते, 270 बता देते समझता था, लेकिन 250 करोड़ अभी अभी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स ने भाई साहब अपडेट किया और आपने डायरेक्टली 300 करोड़ चेप दिया। अब इसमें से एक्चुअल कलेक्शन क्या है, कहां से पब्लिक माने, सिंपल सी बात है, जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स भाई यहां पे बड़े बड़े मीडिया चैनल्स यहां पे अपडेट कर रहे हैं यहां पे कलेक्शंस को, या तो वो गलत बता रहे हैं या तो भाई आप ही अलग ही लेवल के नशे करके बैठे हो। अगर एक्चुअल कलेक्शंस के बारे में बात करते हैं भाई साहब, इस मूवी के कलेक्शन फिलहाल के टाइम पे 7 दिनों के जो पहुंचे हैं लगभग 250 to 260 करोड़। आप ये मान के चल सकते हैं कि इसी के बीच में मूवी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन मैक्स टू मैक्स जो पेपर के ऊपर आ रहा है उतने कलेक्शन है। अगर बात करते हैं नेट इंडिया, तो भाई साहब नेट इंडिया इस मूवी का कलेक्शन फिलहाल के टाइम पे जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स वहां पे अपडेट होकर के आ रहा है कि ये मूवी कलेक्शन फिलहाल के टाइम पे 7 दिनों के लिए पहुंचे हैं 170.2 करोड़, जिसके अंदर भाई साहब अगर बात करते हैं डे नंबर 7, तो भाई डे नंबर 7 पे जहां इस मूवी की एडवांस भी हुई थी सिर्फ और सिर्फ 2.32 करोड़, एंड कलेक्शन यहाँ पे आए भाई साहब लगभग 9 to 9.2 करोड़, मतलब कहीं ना कहीं 4 गुना से ज्यादा कलेक्शंस नहीं जा पा रहे, एंड ये सबके सामने है और कोई जबरदस्ती ना तो फेंक रहा है और ना कोई अपने मन से कलेक्शन बता रहे। ये ऑफिशियल वेबसाइट जो हर एक थिएटर्स के ऊपर नजर रखती है, हर बड़े बड़े जो बोलते हैं बड़े बड़े मल्टीप्लेक्सेस, इनको पर्सनली भाई कॉन्टैक्ट रहता है इन लोग का। जैसे RRR, KGF या फिर बाहुबली ऐसी मूवी से कलेक्शन आप देखते हैं, जो उनके एक्यूरेट कलेक्शन रहते हैं इन्हीं वेबसाइट्स के ऊपर प्रॉपर तरीके से रहता है। और अगर आप कलेक्शन को मैच भी करेंगे तो आपको मालूम पड़ा कि भाई यहाँ पर धर्मा प्रोडक्शन एक अलग ही लेवल पर फेंके जा रहा है। ये जो इसके ट्रेड एक्सपर्ट्स भी हैं वो जो कलेक्शंस बताते हैं, धर्मा प्रोडक्शन हमेशा उससे 2 कदम आगे बढ़ चढ़ी कलेक्शंस बताता है। अब या तो तुम गलत हो या तो तुम्हारे ट्रेड एक्सपर्ट्स ही गलत हैं। तुम लोग पहले डिसाइड कर लो कि कलेक्शन बताने हैं क्या है, ये लोग आपस में कन्फ्यूजन कलेक्शंस क्या बताया जाए ऑडियंस को, पहले डिस्कस नहीं करते और डिस्कस किए भी ना यहाँ पे करण जोहर कलेक्शन फेंक देता है और लोगों को लगता है भाई मूवी काफ़ी अच्छी चल रही, काफ़ी अच्छी खासी मूवी होगी, दबा के कलेक्शंस करेगी। मैं मूवी के अंदर कमी नहीं निकाल रहा हूँ, मूवी के अंदर कमियाँ दुनिया ने निकाला है और मूवी के अंदर अच्छाई भी है जो आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। तो भाई हकीकत आपके सामने, समझना आपको है कि एक्चुअल कलेक्शंस क्या हैं, किस तरह से यहाँ पे करण जोहर जबरदस्ती करो बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि रियलिटी ऐसा कि भाई 2D में तो मूवी कमाई नहीं रही है, जो भी कमा रही है 3D के अंदर आ रहा है और IMAX 3D के अंदर आ रहा है। और IMAX 3D और 3D के अंदर भी फिलहाल के टाइम पे ऑक्यूपेंसी देखी गई लगभग 9 से 10%, और 9 से 10% की ऑक्यूपेंसी के साथ मूवी इतना दबा के जबरदस्त कलेक्शन नहीं कर सकती। एंड ये रियलिटी है, सिर्फ इंडिया की नहीं आउटसाइड भी रियलिटी है, समझ के चलो और थोड़ा सा मतलब सावधान रहो, बाकी एंजॉय करो। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, बाय बाय।